Now, in this lecture, I am going to discuss another well-known confusion, a confusion that the English learners often face in their sentences. Dear viewers, आज मैं अपने इस लेक्चर में एक और अहम तरीन कन्फ्यूजन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अक्सर इंग्लिश लर्नर्स अपने सेंटेंसेस को लिखते वक्त उस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। इन दिस लेक्चर ऑफ माइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट यूज ऑफ लुक एट, सी एंड वॉच। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में आपको बयान करूँगा कि लुक एट, सी और वॉच के इस्तेमाल में क्या क्या फ़र्क है, और ये तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिनोनिमस हैं अपने मानों के लिहाज से, मगर इनका इस्तेमाल डिफरेंट है। क्योंकि तीनों का मतलब देखना होता है, मगर इनका इस्तेमाल इलैदा इलैदा सिचुएशन के एतबार से बिल्कुल मुख्तलफ है। तो आइए चलें शुरू करते हैं। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड इलैबोरेट, व्हेन वी लुक एट समथिंग वी डायरेक्ट आवर आईज इन इट्स डायरेक्शन एंड पे अटेंशन टू इट। तो डियर व्यूअर्स, हम लुक का इस्तेमाल करते हैं जब हमारी तवज्जो, हमारी आंखें खास सिमत की तरफ होती हैं और हम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो इसके लिए हम लुक एट की फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्पीकर इज सिटिंग एट हर कंप्यूटर। जो बात करने वाला है वो अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है और वो ये बात करता है, कम एंड लुक एट दिस फोटो मारिया सेंट मी। आइए और इस तस्वीर की तरफ देखिए जो मारिया ने मुझे भेजी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, लुक एट का आपने इस्तेमाल करना, यहाँ पे सी का इस्तेमाल या वॉच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी मैंने वजाहत की है कि जिधर आपकी आंखों की सीमत हो या फिर आप उस तरफ मतवज्जे हो रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आपने लुक एट का इस्तेमाल करना। जैसे अनदर सेंटेंस, लुक एट द रैबिट, खरगोश की तरफ देखिए, मुराद ये है कि खरगोश की तरफ तवज्जो कीजिए। अब यहाँ पे याद रहे कि जब लुक के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी हो, मुराद ये है कि जब लुक वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो फिर लुक के साथ आपने एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना। जैसे लुक एट द रेन, इट इज़ सो हैवी, बारिश की तरफ देखिए, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे लुक एट द रेन, आपने यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है लुक के साथ, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट द रेन का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी लुक का ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद हो, तो फिर लुक के साथ आपने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है, ये बात जहन में ज़रूर रखिएगा। लुक द रेन ऐसे नहीं आपने लिखना, ये गलत होगा। फिर आपको चूंकि द रेन ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस लाइन में आपको बता दिया। अब बात करते हैं सी की। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई सॉ अली एट द शॉपिंग सेंटर यस्टरडे, कल को मैंने अली को एक शॉपिंग सेंटर में देखा। हैज़ एनीवन सीन माय ग्लासेस, क्या किसी शख्स ने मेरे ग्लासेस देखे हैं, मेरी ऐनक देखी है। आई कैन सी यू इन द फोटो, मैं फ़ोटो में आपको देख सकता हूँ। लुक, देखो, देयर यू आर एट द वेरी बैक, देखो तुम बिल्कुल इस फोटो में सबसे पीछे खड़े हो। वी यू सी टू मीन अंडरस्टैंड, नो और बी अवेयर ऑफ समथिंग। व्यूअर्स, हम सी का इस्तेमाल करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए या किसी चीज़ से बाखबर होने के लिए। वी डोंट यूजुअली यूज़ दिस इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म, और ये बात याद रखें कि हम सी का इस्तेमाल कभी भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं करते। यानी ये सी का वर्ड जो है, यानी जो सी का वर्ब है, ये ना ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, ना ही पास्ट कॉन्टीन्यूस में, ना ही फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। यानी सी का वर्ड कॉन्टीन्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वन पर्सन इज एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक शख्स वजाहत कर रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो एक शख्स बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नेम ए है, तो वो बात करता है, ऑल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज़ वॉट यू पुट इन द वैल्यू। स्क्रीन में जो कुछ आप देखते हैं वो इस वैल्यू के तौर पर जो भी आप पुट करते हैं वो आपको दिखाई देता है। तो बी शख्स कहता है, आई सी और, इन जो आर पुट किया हुआ है मैं उसको देख सकता हूँ। आई एम सीइंग और, ये गलत होगा, क्योंकि सी को आप कॉन्टीन्यूटी में, कॉन्टीन्यूस टेंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी कभी भी कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, इस बात को आप ज़हनशीन कर लें।
Watch is similar to look at, but it usually means that we look at something for a period of time, especially something that is changing or moving. व्यूअर्स अ वॉच लुक एट के मानों में भी बात का इस्तेमाल किया जाता है और लुक एट के मानों में ही ये अपने मानी देता है, मगर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वॉच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसके इवेंट्स चेंजिंग हो या मूविंग हो, यानी उसके इवेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हों, वो मूवमेंट में हो और वे ख़ास वक़्त के लिए हो, तो फिर हम वॉच का वर्ब इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग, हम हर शाम को टेलीविज़न देखते हैं. आई लाइक टू सिट एट द विंडो टू वॉच व्हाट्स हैपनिंग इन द गार्डन, मैं खिड़की में बैठना पसंद करता हूँ ये देखने के लिए कि बाग में क्या हो रहा है. वी यूज सी नॉट वॉच व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग एट स्पोर्ट्स मैचेस और पब्लिक परफॉर्मेंसेस सच एज फिल्म्स, थिएटर एंड ड्रामास. हम सी का इस्तेमाल करते हैं, वॉच का नहीं, जब हम बात करते हैं कहीं पे स्पोर्ट्स मैचेस को देख रहे होते हैं या आपको पब्लिक परफॉर्मेंसेस को फिल्म वगैरह को थिएटर या ड्रामास को देख रहे होते हैं, तो फिर हम सी का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आपने वॉच का वर्ब इस्तेमाल नहीं करना. हाउएवर वी वॉच द टेलीविज़न, हाँ बता, अगर टेलीविज़न को आप देख रहे हैं तो फिर आपने वॉच का वर्ब इस्तेमाल करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी सॉ अ वंडरफुल न्यू फिल्म लास्ट नाइट, हमने पिछली रात एक ज़बरदस्त फिल्म देखी. तो यहाँ पे जब फिल्म की बात हो रही है या थिएटर की बात होगी या ड्रामास की बात होगी, तो फिर आपने सी का वर्ड इस्तेमाल करना है. यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म सॉ का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये भी याद रखिए इसकी थर्ड फॉर्म सीन होती है. सी फर्स्ट फॉर्म है, सॉ सेकंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म की बात हो रही है, तो फिल्म को आप सी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर वॉच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे. You'll have to go and see it while it is in the cinema. तो आपको जाना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा जब ये सिनेमा में चल रही होगी. यहाँ पे आपने वॉच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है. यहाँ पे सा से की सेकंड फॉर्म है, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना यहाँ पे you'll have to go and watch, ये भी गलत होगा. नेक्स्ट कंपेरिजन देखते हैं. आई वॉच्ड शर्तिया मिठे लास्ट नाइट ऑन DVD. शर्तिया मिठे आपको पता है एक ड्रामे का नाम है. चूँकि ये DVD की बात हो रही है, आप घर में बैठे हुए हैं तो आप टेलीविज़न के ऊपर ये DVD देख रहे हैं शर्तिया मिठे ड्रामे की, तो यहाँ पे आपने वॉच का वर्ब इस्तेमाल करना. नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, सेम वही ड्रामा देखते हुए. आई सा शर्तिया मिठे लास्ट नाइट, जब आप यहाँ पे सा का वर्ड इस्तेमाल किया, वॉच को रिप्लेस किया आपने सॉ के साथ जो सी की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी थिएटर में या सिनेमा में बैठे हुए हैं. अभी मैंने वजाहत की कि थिएटर में या सिनेमा में बैठे हुए कुछ देखना, वहाँ पे आप सी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आप वॉच को इस्तेमाल नहीं कर सकते. व्हेन वी लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब काफ़ी देर तक हम कुछ देखते हैं, वी यूज़ वॉच नॉट सी, तो फिर हम वॉच का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सी का वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं कंपेरिजन देता हूँ. वी वॉच्ड व्हेल्स जंपिंग ओवर द वाटर, अब वॉच को रिप्लेस किया मैंने सा के साथ. वी सॉ व्हेल्स जंपिंग ओवर द वाटर, अब इन दोनों सेंटेंस के मफहूम में थोड़ा सा फ़र्क है. जब आपने वॉच का वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वॉच फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ सीइंग, जो आप देखने वाला अमल है तो वॉच उसके ऊपर फोकस करता है, और वहाँ पे इसको देखने में आपने कुछ टाइम सर्व किया है, यानी वहाँ पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम आपने लगाया है इन वेल्स को देखने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे वॉच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे इस इवेंट को फिनिश होते हुए आपने सी किया है, यानी इसको देखा है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र नहीं है, यानी इसके मफहूम में पीरियड ऑफ टाइम का कितने कुछ देर के लिए आप इसको बदस्तूर देखते रहे उसका मतलब ये नहीं है. जस्ट आपने इसको सरसरी सा देखा है, जस्ट आपने इस इवेंट को फिनिश होते हुए देखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपने सी का वर्ब इस्तेमाल करना. इट डजंट सजेस्ट दैट वी स्पेंट मच टाइम लुकिंग एट द वेल्स, अब देखिए यहाँ से इससे कतन मुराद नहीं है कि आपने इन वेल्स को देखने में काफ़ी वक्त सर्व किया. हाल बता, जब आपने वॉच का वर्ब लगाया तो फिर इससे ये सजेस्ट होता है कि आपने इन वेल्स को देखते हुए कुछ टाइम सर्व किया इनके ऊपर, कुछ देर तक आप इसको देखते रहें.
look at, see or watch. Now we discuss its typical errors, जो इनकी अमूमन कॉमन एरर्स हैं जो इनको इस्तेमाल करते वक्त हम वो एरर्स कमिट करते हैं, वो कौन कौन सी हैं उनकी मैं यहाँ पे वजाहत करता हूँ. When there is an object, we use at after look. अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जब लुक के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने लुक के साथ एट की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गो फॉर अ वॉक बाई द रिवर, अगर आप दरिया के साथ साथ पैदल चलते हैं, यू कैन लुक एट द ब्यूटिफुल सीनरी, तो फिर आप खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखें लुक एट का वर्ड आप लगाएंगे, चूँकि द ब्यूटिफुल सीनरी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है वर्ब लुक का, तो यहाँ पे लुक के साथ अपने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है. सिंपली आप लुक लगा देंगे एट के बगैर तो आपका सेंटेंस गलत होगा. अब इनकी टिपिकल एरर्स और देखते हैं. वी डोंट यूज वॉच टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी सी विद ट्राइंग और एफर्ट. बगैर किसी ट्राई के, बगैर किसी एफर्ट के अगर आप काम करते हैं तो फिर आप वॉच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर आप किसी एफर्ट के साथ और ट्राई के साथ कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कुछ देखते हैं तो फिर तो आप वॉच का वर्ब इस्तेमाल करेंगे. अगर आप सरसरी सा देखते हैं बगैर किसी एफर्ट के तो फिर आप सी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गो टू द फॉरेस्ट यू माइट सी सम डियर, अगर आप जंगल में जाते हैं तो हो सकता है आप कुछ हिरन को देख सकते हो. तो ये जस्ट देखने के मानों में, यानी इस देखने में ना कोई आपकी एफर्ट है, जस्ट कोई भी हिरन आपके सामने आ सकता है और आप उसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप वॉच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे आप सी का वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वॉच गलत होगा. मज़ीद इनके टिपिकल एरर्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं. वी डोंट यूज़ वॉच व्हेन रेफरिंग टू अ फिल्म इन द सिनेमा. अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया जब सिनेमा में आपको फिल्म वगैरह देखते हैं या थिएटर में देखते हैं वहाँ पे जाके कोई ड्रामा वगैरह, तो वहाँ पे आप वॉच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे आप सी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे. जैसे ए पर्सन बात करता है, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज हम सिनेमा जा रहे हैं. तो बी पर्सन बोलता है व्हाट आर यू गोइंग टू सी, तो वहाँ पे आप क्या देखने जा रहे हैं, वहाँ पे सी की जगह पे वॉच गलत होगा. ऐसे ही ए बोलता है आई एम नॉट श्योर, आई रियली वॉन्ट टू सी द न्यू रॉकी मूवी, बट नैन्सी सेड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो दोबारा ए शख्स बात करता है कि मुझे श्योर नहीं है, मैं तो न्यू रॉकी मूवी देखना चाहता हूँ, मगर नैन्सी जो है उसने कहा है कि वो इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखती है. तो यहाँ पे भी आपने सी का वर्ब इस्तेमाल करना, वॉच का इस्तेमाल गलत होगा. फर्दर एग्जाम्पल्स, वी यूज वॉच नॉट सी व्हेन वी रिफर टू समथिंग ऑन द टेलीविजन. जब टेलीविजन पर हम कुछ देखते हैं, अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया, तो फिर आप वॉच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे सी का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, एट नाइट आई लाइक टू वॉच द टेलीविजन, रात को मैं टेलीविज़न को वॉच करना पसंद करता हूँ, टेलीविज़न को देखना पसंद करता हूँ. तो यहाँ पे वॉच की जगह पे सी नहीं आ सकता, इसको आप जहनशीन कर लें. जब भी टेलीविज़न को देखने की बात आएगी तो आप वर्ब वॉच का इस्तेमाल करेंगे, ना ही सी का और ना ही लुक का आप इस्तेमाल करेंगे. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, इससे हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहेंगे. थैंक यू.